फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई किस्से हैं जिसमें किसी की किसी से दोस्ती हो गई, किसी की किसी से दुश्मनी हो गई, अदावत हो गई, ऐसे अनगिनत किस्से हैं। ऐसा ही एक किस्सा है दिलीप कुमार और राज कपूर के बीच का। दोनों में कितनी गहरी दोस्ती थी, तो आज इसके विषय में आपको मैं बताऊंगा और साथ ही जुड़ा इन दोनों से एक बहुत रोचक प्रसंग मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों बेल आइकन और ऑल के ऑप्शन को जरूर से प्रेस करें जिससे कि सारे नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंच पाए। दोस्तों, राज कपूर और दिलीप कुमार दोनों ही सुपरस्टार थे और दोनों की ही आपस में बहुत गहरी दोस्ती थी। और दोस्ती इतनी गहरी थी कि दोनों एक दूसरे के राज एक दूसरे से शेयर किया करते थे, जो कि उनके परिवार वालों को भी नहीं पता होते थे। और राज कपूर अक्सर दिलीप कुमार से ये कहा करते थे कि भाई तुम कुंवारे हो और शादी कर लो जल्दी, और जिस दिन तुम शादी करोगे मैं घुटने के बल आ जाऊंगा। तो ऐसा राज कपूर उनसे कहा करते थे। फिर जब सायरा बानो और दिलीप कुमार जी की शादी हुई, तब वाकई राज कपूर अपना वादा निभाया और उनकी शादी में वे घुटने पे आ गए और दिलीप कुमार को याद दिलाया कि मैंने तुमसे ये वादा किया था कि तुम्हारी जब भी शादी होगी मैं घुटने के बल आ जाऊंगा, और ऐसे उन्होंने अपना जो वादा था वो निभाया। इसके अलावा दोस्तों, जब 1988 में राज कपूर को जब दिल का दौरा पड़ा था और जब उनकी मृत्यु हुई थी, उसी समय दिलीप कुमार विदेश कोई शो करने गए हुए थे और जब उनको ये खबर मिली तो तुरंत वे वहां से लौट गए और तुरंत अपने दोस्त के पास पहुंचे और उसके पास आकर ये कहने लगे कि उठ जा देख मैं आ गया हूँ, और ये कह के उनकी आंखें छलछला आई और आंसू आ गए। तो दोस्तों, ऐसी दोस्ती थी दोनों के बीच। अंततः राज कपूर तो नहीं रहे और दिलीप कुमार बहुत दुखी भी हुए, लेकिन दोस्तों एक ना एक दिन तो सभी को जाना है, और फिर वहां जाकर के ये दोस्ती जो है अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंची। तो ऐसी दोस्ती थी दोनों के बीच, भाइयों जैसा प्यार था। ये बात, ये वाक्य सारे हाल ही में सायरा बानो जी ने स्वयं शेयर किए थे, और दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वाक्या, ये प्रसंग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार से वास्तविक किस्से, कहानियाँ, फिल्म हस्तियों से जुड़ी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूँगा। बने रहिए मेरे चैनल पे। और दोस्तों, जो लोग मेरा चैनल देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं उनसे बहुत रिक्वेस्ट करूँगा कि सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपसे ही कहूँगा कि अपना बहुत ध्यान रखें, हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। नमस्कार दोस्तों।